बंधुओ मेरे दादाजी के यहां कोई संतान नहीं थी। 11 साल बीत गए। दादाजी फौज में सिपाही थे। उस समय उनकी नौकरी, उनकी ड्यूटी बठिंडा में थी। बठिंडे महाराज मेरे दादाजी की पोस्टिंग ही थे। दादाजी उस समय भी गीता जी के ऊपर बड़ा उनका प्रेम था। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ते रहते थे। स्वयं तो वो नहीं डोलते थे, लोग के रिश्तेदारें दादाजी की पले पले आखना कि तुम नौकर हो, जवान हो, सोने हो, अस थोड़ा और ब्याह कराने हैं, क्योंकि 11 साल हुई है ना थोड़े घर पुत्र पुत्री कोई नहीं। दादाजी ने कहा नहीं, परमात्मा ने देना होग तो उसकी इच्छा, नहीं देना होग तो वह भी उसकी इच्छा है, क्योंकि गीता जी ने बड़ा उन्हें मजबूत रखे था। पर फिर भी कई बार जिड़िया गल्लां लोग करते ना उसके कन्ने बंदा टुटी जाता। बठिंडे दादा जी की नौकरी ही तो दादा जी सामने कंटीन च दुध के जलेबियां कदे कदे खान जाते, दुधा कन्ने जलेबी खा दे। इं जिन्हें जिन्हें कुदे कुदे मीना मारे दा ते मीना अंदर फिरी आ रहा। महाराज आखते ना कि धड़ी धड़ी राशन खाई उड़ने वह पची जाता, पर जे कोई सानू गल आखी उड़े वह गल नहीं पचती, गल शोल पाई उड़ती अंदर फड़ी, स्वाद भी देई उड़ती ते नींद भी डवाई रखी उड़ती। दादा जी के मन में वो कुछ बातें घूम रही थी कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, पर गीता जी के प्रति, भगवान के वो 700 श्लोकों की गीता, उसके प्रति दादाजी की बड़ी श्रद्धा थी। फिर कोई एक अद्धा श्लोक पढ़िया तो इं अपने आप ही संभाली लेंगे। इन्ने चिरा गई उस कंटीन दे कन्ने गए सड़क ही, तो सड़क उपर एक बाबा जी बिल्कुल दिगंबर भेष, नंग तड़ंग, उन्हें सड़क पर आवाज मारी, परवेण दा कड़ी गल तुम हम सोचो बठिंडा जम्मू कोला कितना दूर, उत्थे अनजान व्यक्ति मेरे दादाजी की ना लिए आवाज मारा दा कि परमानंदा केड़ी गल दुखी है भाई, तेरा ना ते परमानंद है, तू आनंद च रोना चाहिए। ते दादाजी की बड़ा अचंबा होया। दादाजी ने हाथ जोड़े तो बाबा जी का हाथ फड़िए, फटाफट उत्थे गए सड़क उपर, हाथ फड़िए अपने कोल कुर्सी उपर बिठाया, कंटीन च लगे आखन दुध पी गयो, लगे पी लगे। बाबा जी की भी दुध ते जलेबी मेरे दादा जी ने लै दी। बड़े अवधूत संत हे, निंदा स्तुति सर्दी गर्मी अपना पराया इहदे कन्ने कोई मतलब नहीं सा। उन्हें महापुरुषें जी तुल्य निंदा अस्ति त्रिमोनी संतुष्ट हो येन केन चित। बंधुओ दादा जी के गीता पाठ ने उस साधु बाबा को प्रसन्न कर दिया और वो साधु महाराज बोलने लगे, बच्चू मम्मी तू ही तुप्पा है, ये फलाना फलाना मेरा गुरु मंत्र है, ते इस मंत्र दा तू जाप करे। दादा जी लगे आखन गुरु जी जे तुसे मंत्र दिता ते दक्षिणा दे ले नहीं, इसलिए किथे गए बैठो, सामने बजाजी की दुकान है, मैं 2 चिट्टे वस्त्र लिया ना, तुस उनेंगी पाई लो। दादा जी ने 2 चिट्टे कपड़े फड़ाइए ली आंदे थाना उपरा, एक लक्का ही बन्ने, एक उपर लिया, और दादा जी दे मुंडे उपर हाथ रख लिया, लगे आखन बच्चू मेरी ते तेरी ए पहली और आखिरी मुलाकात है, बस मेरी ते तेरी पहली और आखिरी मुलाकात है, इसलिए परमानंदा तेरे घर जिहड़ा पहला पुत्र होग वड्डा वो सिर्फ तेरा नहीं, वो जगत कल्याण वास्ते तेरे घर आना है, और जे पछानण हो गए तो पछानी लाया, अज दे बाद च मैं तुझे मिलना नहीं, और भी तेरे घर 2 न्याणे होंगन। दादा जी बड़े प्रसन्न हुई है, और मेरे दादा जी दे घर
11 साल बाद 12वें साल जो ये पुत्र होया देसी दी 26 तरीक ही देसी महीने दी। और बंधुओं मैं विनती करूं जिसले बड़ी प्रसन्नता बड़ी खुशी का मौका हुआ है उले राम नो चेता आंदा उले बड़ा चेता आंदा जिसले बिलनी बाह आई दी हुए उसले तो भगवान चेते आंदा। दादा जी की खुशी खुशी च कि मेरे घर पुत्र होया और पुत्र होया देखो किस हिसाब कन्ने महलेदार जेड़े ने मारे ने अपने मुंह में सुनाई दी गल साधु संत बैठे रहे तो संतों ने शास्त्री जी महाराज को पूछा कि शास्त्री जी अपने जन्म की बात बताओ जेड़ी मैं सुना दा शास्त्री जी महाराज ने सुनाई महाराज ने सुनाया कि जिले भाभी और बीमार होए पुत्र जन्म का समय लग आया सारे दाइया दौड़ने वास्ते दाइया लियानियां उहदे वास्ते दौड़े दाई लैने वास्ते दौड़े ते दाई लैन गए ने ते इन्ने चिर कि महाराज का जन्म होइए दा दाई बाद च पुजी है। और अगे के सुना दे महाराज सुना दे हे कि उन्हें आख्या इन्नी देर बाद जन्म हुआ दा है कोई मां की तकलीफ मती नहीं हुई ते शहर ले जन्ने आ जां कोई बड़े डाक्टर कोल लैने आ वो कोई साधन ही नहीं लभदा ते पालकी पे रही कोई पुरानी पालकी मंदरा उन्हें पालकी लियांदी पालकी समझदे हो ना पालकी ली आए जिले पालकी आई दाई आई ते उलेगी ते महाराज का जन्म हो चुके दा इस सुहांजने की गल है शास्त्री महाराज का जन्म सुहांजने का जे सारे लोग आखदे सेरी का जन्म है सेरी महाराज ने तप किता सेरी महाराज ने अपना बड़ा हार्ड वर्क किता कर्म किता और उहदे कन्ने कन्ने गीता जी का स्वाध्याय वेदे का शास्त्र का अध्ययन यह सारा सेरी च होया सेरी तपस्थली है जन्म स्थान सुहांजना है। मैं गल करा दा नौजवान साथियों एडी मजेदार गल हुई देखियो होन हार के रोत है बड़े ही चिकने पात बचपन चा गए उनके लक्षण वखरे होंगे जिले पालकी ली आए कि पालकी च पाई है भाभी ने कितने ले आ कि सियाने डॉक्टर को क्योंकि इन्नी चिरा बच्चा होना 11-12 साल बाद तो ये पता 12 साल बाद कौन होया 11-12 साल बाद सुखदेव जी महाराज का जन्म होया है सुखदेव जी महाराज 12 साल गर्म से सुखदेव जी दे इधर 12 साल बाद जन्म होया हमारे 11 पूरे हो गए 12वें जी का जन्म है। बंधुओं हमारे लिए तो भगवान सुखदेव ही है शास्त्री जी महाराज सुखदेव जी की तरह ही उन्होंने हमें सुधार अमृत अमृत जिहड़ा है वो देवते ना हमें कथा रूपी सुदापान अमृत पान उन्होंने करवाया जिले पालकी भी आई है दाई भी आई सारे घराने इन्ने खुश होए कि इनके घर एडा दिव्य बच्चा प्रकट होया पैदा होया है हुण पालकी लिया दी है ये कम लेना लेना इहदे कोल हुण इह कम लै चा पालकी कोला दाई ने फटाफट सवारिया समूरिया उस दिव्य बालक की जागत महाराज जागत जेड़े है वह मेरे दादा जी कहते बड़े उनके अच्छे संबंध है दादा जी कहते बड़ा मजाक कर लेंगे उन्हें आख्या फलाया हूं पालकी लिया दी है सानू खुशी बड़ी है तू पालकी च पा जाते जमदे पालकियां मिलिया साहब जमदे या पालकी च पाया शास्त्री महाराज की उन्हें आख्या इना करो ठंड ठुंडी लगे लपेटी लाओ शैल करिए लपेटी लिया लपेटी है जमदे गए पालकी च पाई है पिंडा की पकड़ पकड़ आई फिर घर लिया जगारे लगे बाल कृष्ण लाल की जय ऐसी महाराज की जन्म कथा है। और महाराज जी जिले दो तीन साल की हुई तोतले तोतले बोलने लगे उन सुख बना था दादा जी क्योंकि जमीन भी आएगी सेरी नौकरी भी आएगी संतान का घाटा था भगवान ने संतान भी दे दी इसलिए घोड़ की लोड़ी भगवान बना ली है शास्त्री महाराज
Thank you.